आबादी नियंत्रण करने के लिए मनाया जाता है जनसंख्या दिवस। रिपोर्टर नितेश श्रीवास्तव। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विश्व जनसंख्या दिवस भदोही में मनाया गया। ज्ञानपुर के महाराज चेत सिंह जिला चिकित्सालय में विश्व जनसंख्या दिवस पर एक आयोजन किया गया। आयोजन के अंतर्गत लोगों को जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए जागरूक किया गया। विश्व जनसंख्या दिवस हर वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जनसंख्या संबंधित समस्याओं पर वैश्विक चेतना जागृत करना है। यह आयोजन 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यालय की गवर्निंग काउंसिल द्वारा स्थापित किया गया था। यह 11 जुलाई 1987 को 5 बिलियन दिवस में सार्वजनिक हित से प्रेरित था, जो अनुमानित तारीख जिस पर दुनिया की आबादी 5 अरब तक पहुंच गई थी। मुख्य उद्देश्य संख्या के मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाना है, जैसे कि परिवार नियोजन, लिंग समानता, गरीबी, स्वास्थ्य और मानव अधिकारों का महत्व। जनसंख्या दिवस है, हम लोग जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के पास पूरी दुनिया का 2.6% भूभाग ऐसा आता है और आबादी पूरी दुनिया की 16%। हम लोग जनसंख्या विस्फोट की बात करते हैं, बिल्कुल जनसंख्या विस्फोट की स्थिति हमारे देश में हो रही है। उसका घनत्व भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। हम सब लोगों का ये खासकर स्वास्थ्य विभाग का और सभी प्रशासनिक विभागों का दायित्व है कि जनसंख्या विस्फोट को कम करने के लिए लोगों को मोटिवेट करें और जो हमारी शिशु मृत्यु दर है उसे कैसे कम किया जाए और जन्म दर को कैसे कम किया जाए, सबके लिए पूरा विभाग काम करता है। आज विशेष अभियान पर कार्यक्रम में हम लोग भी आगे शुरू कर रहे हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी से अपील है, कृपया जनसंख्या विस्फोट पर जनसंख्या कंट्रोल के लिए जो भी मेजर्स स्वास्थ्य विभाग द्वारा सजेस्ट किए जाते हैं उनको अपनाएं लोग और जनसंख्या नियंत्रण में अपना भागीदारी कर सकते। सड़क दुर्घटना डिवाइडर से बाइक टकराने से ओबीटी कर्मी हुआ बुरी तरह लहूलुहान। संवाददाता एक फारूकी। भदोही जिले में थाना क्षेत्र उन स्थित हाईवे के पास 10 जुलाई रविवार को की शाम डिवाइडर से टकराने से ओबीटी कर्मी 45 वर्षीय बाइक चालक की मौत हो गई। बताया जाता है कि प्रयागराज जनपद के हंडिया थाना क्षेत्र के 90 चौराहा रंगनाथी गाँव निवासी बलवंत यादव पुत्र स्वर्गीय विद्याभूषण गोपीगंज के ओबीटी कालीन कंपनी से कार्य करने के बाद वापस घर लौट रहे थे कि ऊंच हाईवे के पास बाइक असंतुलित होकर डिवाइडर से जा टकराई। घायल अवस्था में ऊंच पुलिस द्वारा परिजनों को सूचना देकर गोपीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां हालत चिंताजनक देखकर चिकित्सकों ने एम्बुलेंस संख्या UP 32 MG 97-05 के चालक हृदय नारायण और EMT रोहित गुप्ता द्वारा जिला अस्पताल चेत सिंह भेज दिया, जहाँ अस्पताल पहुँचते ही बलवंत यादव ने दम तोड़ दिया। बलवंत की दुखद मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। दुर्घटना का क्या केस आपके पास कैसा आया? एक बलवंत यादव करके एक लोग आए हैं, ये CSC गोपीगंज से रेफर हो गया है, मृत अवस्था में इनका एक्सीडेंट हो गया। परिजनों का क्या बताना है? ये लोग भी यही करें कि एक्सीडेंट हो गया था, बाइक से जा रहे थे, OPD में OPD बैंक उसमें वहीं पर काम करते हैं। एक्सपायर हो चुके हैं। एक्सपायर चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।